आज करना है हम लोगों ने साउंड का चैप्टर। साउंड सही है। अच्छा, सबसे पहले साउंड में आप लोगों को दो चीज़ें बतानी चाहिए। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है कि भाई डिजिटल डाटा क्या होता है और एक एनालॉग डाटा क्या होता है। सही है, पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग, फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे साउंड के बारे में। पहले से बेसिक्स क्लियर करो कि डिजिटल डाटा क्या होता है। हमारे पास डाटा जो होता है वो दो फॉर्म में, एक डिजिटल और एक एनालॉग। सबसे पहले बात करें हम लोग डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा क्या होता है उसको जल्दी से देखते हैं। लिखो जल्दी से अपने पास। डाटा दैट हैज बीन स्टोर्ड एज बाइनरी वैल्यू विच कैन बी इधर 0 और 1। सही है। डिजिटल डाटा क्या होता है जो कि आप लोगों का पीसी अंडरस्टैंड कर सकता है। 0 और 1, जितना भी डाटा 0 और 1 की वैल्यूज में होगा, बाइनरी वैल्यू में होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा क्या होता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। और बिल्कुल वाइस वर्सा है आप लोग का एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा क्या होता है वो देखते हैं। डेटा ऑब्टेन्ड बाई मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। सही है। अब एनालॉग डेटा क्या हो गया जो कि आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट्स आप करते हो, जैसे टेम्परेचर हो गया, साउंड्स के एम्पलीट्यूड हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसको अगर आप उसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं उन सबको हम लोग कहते हैं एनालॉग डाटा। और उसी कन्वर्ट कर दें हम लोग अगर उसको बाइनरी फॉर्म में तो हम उसको कहेंगे डिजिटल डाटा। सही है। फिर एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। डिजिटल डाटा क्या होता है जो कि बाइनरी वैल्यूज होती हैं, 1 और 0 वाला जो डाटा होता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम लोग डिजिटल डाटा कहते हैं। एनालॉग डाटा क्या होता है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो मेजरमेंट्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एनालॉग डाटा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? जल्दी 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 सब बेसिक क्लियर है? यस और नो चैट पे जवाब। चलो बेहतरीन। अच्छा, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं साउंड की तरफ आते हैं। साउंड की तरफ आने का मतलब यह है कि साउंड को हम लोग जो कि बेसिकली आप लोग वेव होती हैं, जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनको डिजिटली कैसे स्टोर करना है, आप लोगों ने पीसी में कैसे स्टोर हुई भी होती हैं, कैसे इनकोड हुई भी होती हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मौजूद है। सही है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म को सीखते हैं, थोड़ा बहुत साउंड को हटा के। साउंड को भी हम लोग दिमाग में नहीं रख रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी टर्म सीख रहे हैं और जो कि है सैम्पलिंग। नॉर्मल टर्म है, मतलब अभी मैं एज अ साउंड नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, सिर्फ जनरल टर्म की बात करें सैम्पलिंग क्या होती है। अच्छा, अब सैम्पलिंग क्या चीज़ है? सैम्पलिंग बेसिकली होती है कभी भी आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो ना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। मतलब आपने सपोज करो पानी का लेवल है किसी भी स्विमिंग पूल का, आपने उसको फिल कर रहे हो और हर एक एक 5-5 मिनट बाद, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, लाइक आफ्टर 5 मिनट्स आप उसको जा रहे हो एक सैंपल ले, तो डाटा का सैंपल मतलब वैल्यू मेजर करते हो, हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर मेजर की और वापस आ गए। फिर 5 मिनट बाद गए, फिर आपने डेप्थ मेजर की, तो एक एक 5-5 मिनट बाद आप क्या कर रहे हो? जाके सैंपल्स ले रहे हो। तो सैम्पलिंग क्या होती है? टेकिंग मेजरमेंट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को अभी साउंड के दिमाग से मत सोचो, अभी सब बेसिक अगर हम ग्राफ की बात करें तो मैंने इसमें एक वो रखा हुआ है कि आप हर 5 सेकंड्स के बाद आप जाके एम्पलीट्यूड को मेजर करोगे, मतलब एम्पलीट्यूड का सैंपल लोगे। सही है। तो अगर वो आपसे सवाल करे कि सैम्पलिंग क्या होती है, तो बेसिक सैम्पलिंग क्या होती है? टेकिंग मेजरमेंट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल। लेकिन क्योंकि हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड के अंदर सैम्पलिंग क्या होती है? लेट्स सी दैट। टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ साउंड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अब साउंड तो हम लोग ऐसे मेजर नहीं कर सकते ना, तो साउंड की एक वेव होती है जो कि बेसिकली ग्राफ पे बनी हुई होती है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अब ये सेकंड्स के अंदर नहीं होगी ग्राफ, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ये मिली सेकंड्स के अंदर ग्राफ है, तो इसको मिली सेकंड्स के अंदर ही स्टडी कर लेते हैं अभी फिलहाल। लेकिन अभी फिलहाल इसको सेकंड्स में स्टडी कर लो ताकि तुम लोगों को समझने में थोड़ी आसानी रहे। सही है। अच्छा, अब हम लोग करते क्या है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सुन लो, हर एक एक चीज़ सुन लो कि आपकी साउंड जो है वो स्टोर कैसे होती है। सही है। अब होता क्या है कि आप लोगों की जो साउंड वेव होती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, साउंड को डिजिटली इनकोड करने की बात कर रहा हूँ मैं, आपका जो भी
साउंड वेव होती है, हम क्या करते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल उसकी एम्पलीट्यूड्स को मेजर करते हैं। ऑल्दो इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं होता, बहुत छोटा छोटा, हर एक एक वैल्यू को मेजर करना होता है, हर एक एक चीज़ को सैम्पल करना होता है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाए। लेकिन इस सिनेरियो में हम लोग थोड़ा समझने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सैम्पल ले रहे हैं आफ्टर 5 सेकेंड्स, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब इतनी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगी इस पे 5 सेकेंड्स पे, लेकिन फिर भी सिर्फ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। 5 सेकेंड्स आप लोगों को जो है सैंपल पर 5 सेकेंड, मतलब हम एक सैंपल लेंगे हर 5 सेकेंड के बाद। हमने 5 सेकेंड में हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेजर की, जो भी वैल्यू थी, फिर 10 सेकेंड में फिर हमने इसकी वैल्यू मेजर की, फिर 15 सेकेंड में फिर हमने इसकी वैल्यू मेजर की। हर 5 5 सेकेंड के बाद हम लोग एम्पलीट्यूड्स की वैल्यूज को मेजर करते हैं। उन एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, सपोज करो मैं अगर पूरा प्रोसेस हम लोगों को समझाऊं यहाँ पे बेसिक बिल्कुल, कि सपोज करो कि ये एक बंदा है, यहाँ से वो कुछ कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कहाँ जाती है, माइक के पास जाती है। माइक के पास जाने के बाद होता क्या है कि वो जाती है आपकी एक कन्वर्टर के अंदर। उस कन्वर्टर का नाम क्या है, एनीवन? माइक से जब आप डाटा रिकॉर्ड करोगे तो कौन सा डाटा होगा, एनालॉग डाटा होगा। अब उस एनालॉग डाटा को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा डिजिटल में, ए डी सी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये एडीसी क्या करेगा, आपकी जो भी साउंड वेव्स है ना उसकी एट रेगुलर टाइम इंटरवल पे मेजरमेंट्स करेगा, छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे मेजरमेंट करेगा, और जितना एक्यूरेट करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को मेजर करते रहेंगे, और उन एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में जब वो बाइनरी फॉर्म में इनकोड हो जाएगा, तो हम उसका जो सीक्वेंस है उसको लिख लेंगे अपने पास, और जब भी उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, तो वो जो वैल्यूज हम लोगों ने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट की हैं वो जाएंगी किसके पास, डी ए सी के पास। डी ए सी के पास जाएंगी, और फिर वो कनेक्ट हुआ वो होगा आपका स्पीकर के साथ। कोई भी स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से, स्पीकर के साथ कनेक्ट हुआ वो होगा, और आपका डाटा जो है वापस से वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? इनकोड कैसे होता है डेटा, अब वापस आते हैं और यहाँ पे अब थोड़ी बहुत टर्म्स को समझते हैं। चलो पहली टर्म हम लोगों ने समझ लिया, अगर अब आपसे बोल रहे हैं सैम्पलिंग क्या होती है, तो हम लोग टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ साउंड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, इसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब एक साउंड की वेव की जो मेजरमेंट्स हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल, हम लोग उसकी मेजरमेंट्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मिली सेकेंड पे हम लोग इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हर एक एक मिली सेकेंड्स के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मेजरमेंट ली, फिर एक यहाँ पे मेजरमेंट ली, फिर यहाँ पे मेजरमेंट ली, फिर यहाँ पे मेजरमेंट ली, सही है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग मेजरमेंट्स लेते हैं और इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो कौन सी है, सैम्पलिंग रेट। अब ये सैम्पलिंग रेट क्या होता है, सैम्पलिंग रेट से आप लोगों को नाम से भी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी इसको लिख लो, क्योंकि इसकी जो टर्म्स हैं ये एक एक मार्क की आती हैं कि आप लोग को एक्सप्लेन करनी होती है, लेकिन अभी आना चाहिए। सैम्पलिंग रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ सैम्पल्स टेकन पर सेकेंड। अच्छा अब देखो, नंबर ऑफ सैम्पल्स टेकन पर सेकेंड, हम लोग जो ये ऊपर सैम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कितने सैम्पल्स हम लोग 1 सेकेंड के अंदर लेते हैं, उसको हम लोग सैम्पलिंग रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सी डी क्वालिटी की बात करूँ ना मैं, जो सी डी क्वालिटी होती है, जो कि आपके सी डी के अंदर साउंड स्टोर होती है, उसमें जो सैम्पलिंग रेट होता है वो अराउंड 44,100 सैम्पल्स पर सेकेंड होते हैं। सैम्पल्स पर सेकेंड, और सैम्पलिंग रेट का यूनिट क्या होता है, यूनिट इज बेसिकली हर्ट्ज। तो अगर मैं बोलूं 44,100 हर्ट्स, सही है, ये आप लोगों का सैम्पलिंग रेट होता है। यहाँ तक तो लिखो जल्दी से। यहाँ तक तो लिखो जल्दी से सर। सैम्पल रेट को इनपुट रेट भी कह सकते हैं, इनपुट रेटिंग है उनकी, सैम्पल मतलब मेजरमेंट्स होना।
आप इनपुट नहीं लेते, आप मेजरमेंट्स खुद लेते हैं। सर सैम्पलिंग करेंगे एक्सप्लेन, सैम्पलिंग करेंगे एक्सप्लेन मतलब अब्दुल मुनम सैम्पलिंग तो पूछ रहे कि सैम्पलिंग होती क्या है। चलो मैं बताता हूँ, देखो सैम्पलिंग ऑफ साउंड, सपोज करो कि ये जो वेव बनी हुई है ना, ये जो मैंने ग्राफ पे वेव बनाई हुई है, ये कौन सी वेव है? ये साउंड वेव है, सही है? आपकी साउंड वेव ऐसी ही होती है ना। अब अगर ये साउंड वेव है तो हम लोग सैम्पलिंग किसे कहते हैं? हम लोग इसकी, आपकी जो डाटा है ना, ये कंप्यूटर समझ नहीं सकता है, सही है? अब हम लोग करते क्या हैं, हम इसकी जो एम्पलीट्यूड्स की वैल्यूज है ना, इसको हम लोग स्टोर करते हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मिली सेकेंड हो गया, तुमने फ़ौरन से एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेजर की, फिर 2 मिली सेकेंड हो गया, फिर तुमने वैल्यू मेजर की, फिर 3 हो गया, फिर तुमने वैल्यू मेजर की, ऐसे करके हम लोग रैंडम वैल्यूज मेजर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग ग्राफ से करीब रहें वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपका एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ग्राफ आप, मतलब जितने ज़्यादा सैम्पल्स लोगे 1 सेकंड के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी साउंड की, सही है? सैम्पलिंग क्या होती है? कॉन्स्टेंट मेजर नहीं कर सकते, नहीं कॉन्स्टेंटली मेजर नहीं होगा, मतलब एट रेगुलर टाइम इंटरवल ज़रूरी है, एट रेगुलर टाइम इंटरवल बहुत ज़रूरी है, सही है? तो सैम्पलिंग क्या होती है? किसी भी साउंड के ग्राफ की एम्पलीट्यूड की मेजरमेंट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल, किसी भी साउंड के ग्राफ की मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अब क्लियर है गुलमनम? अच्छा, अब सैम्पलिंग रेट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो सैम्पलिंग होती है ना, वो क्या होती है? किसी भी साउंड की मेजरमेंट करना, किसी भी एम्पलीट्यूड को मेजर करना। अब सैम्पलिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ सैम्पल्स टेकन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर आप कितने सैम्पल्स ले रहे हो, कितनी दफ़ा एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहे हो, वो हम कहते हैं उसको सैम्पलिंग रेट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 सैम्पल्स ले रहे हो तुम लोग, सैम्पल्स ले रहे हो पर सेकेंड, सही है? पर सेकेंड अगर 1000 सैम्पल्स ले रहे हो तो ये मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत इंतहा से ज़्यादा लो क्वालिटी की साउंड आपकी रिकॉर्ड होगी। ऐसा लगेगा कि अजीब, बहुत अजीब सी साउंड है, जो आपकी एक्चुअल साउंड है ना उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होगी। लेकिन अगर हम सीडी क्वालिटी की बात करें ना, सीडी क्वालिटी मतलब जो आपको सीडी के अंदर डाटा स्टोर होता था ज़्यादातर पुराने ज़मानों में, अब सीडी को भी हम पुराने ज़माने में ही लेंगे, सीडी में जितनी भी आपका डाटा स्टोर होता था वो अराउंड 44,100 सैम्पल्स पर सेकेंड पर स्टोर होता था। मतलब 1 सेकेंड के अंदर आपका जो कंप्यूटर था वो एक साउंड वेव का, फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेकेंड है, मैं यहाँ तक वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ इसकी अभी फिलहाल, सपोज करो कि ये 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे वो 44,100 टाइम्स आपके सैंपल लेगा। बस बेसिक ही है, थोड़ा बहुत देख लेना उसका लेक्चर, देख लेना मोहम्मद। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसकी कि सैम्पलिंग रेट 44,100 सैंपल्स पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये वैल्यू जो है आपकी 1 सेकेंड तक की है, अब होगा क्या कि आपका 44,100 टाइम्स आपकी एम्पलीट्यूड को मेजर करेगा और उसको बाइनरी वैल्यू स्टोर करेगा, इसको फिर मेजर करेगा, मेजर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, कभी भी हम एक्यूरेट साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्लोजेस्ट होगी लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपकी नहीं होगी, सही है? तो सैम्पलिंग रेट क्या होता है? 44,100 से थोड़ा बहुत तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और अगर हम सिर्फ सीडी क्वालिटी की बात करें तो दैट्स अराउंड 44,100 सैम्पल्स पर सेकेंड। क्लियर है? अब एक और पिक्चर देखो तुम लोग इसको, ताकि तुम लोग को और थोड़ा समझ आए कि सैम्पलिंग रेट से फर्क क्या पड़ रहा होता है। आगे इसका है पूरा चैप्टर साइंस पे, क्या क्या चीज़ें फर्क पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जब हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो ये ब्लू लाइन है ना, ये बेसिकली आप लोगों का ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल आप लोगों की साउंड की लाइन है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी मेजरमेंट की, अगर हम लोगों ने अपनी मेजरमेंट ली, अगर फॉर एग्जाम्पल लो सैम्पल रेट होता है ना, तो आपके देखो कितनी ज़्यादा आप लोगों के पास एरर के चांसेस हैं, ये एरर के चांसेस, ये एरर के चांसेस, ये एरर के चांसेस, ये सब एरर के चांसेस हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आप हायर सैम्पलिंग रेट कर दिए, मतलब हम फौरन 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 उसके मेजरमेंट्स ले रहे हैं साउंड की, तो अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ चला गया आपका डाटा, लेकिन अभी भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, सही है? जितने भी सैंपल्स आप कर लो कभी भी एक्यूरेट की तरफ नहीं जाओगे, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएगी साउंड लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी, सही है? इस सिनेरियो में देखो हाई सैम्पलिंग रेट थे, मतलब फॉरन 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 हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे थे, तो ये जो बार ग्राफ्स बने हुए ना, ये बेसिकली आप लोगों की मेजरमेंट्स है जो कि हम लोगों ने ली हैं,
सैम्पल्स जो लिए हैं, अब इनकी वैल्यूज देखो बहुत करीब है आपके एक्चुअल लाइन से, एक्चुअल ग्राफ की लाइन से, सही है। तो हमने जैसे ही सैम्पल रेट को इंक्रीज किया, आप लोगों की जो ग्राफ थी वो एक तरीके से एक्यूरेट की तरफ, एक्यूरेसी की तरफ जाती गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसका मतलब क्या है भाई, हाई सैम्पल रेट, हाई सैंपल रेट इज इक्वल्स टू हायर एक्यूरेसी। अच्छा राहुल, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑल दो नेसेसरी नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ। एक्यूरेसी यहाँ तक लिखो इसको, अगर कोशिश करो क्या करिए, सीधी क्वालिटी तक लिख लो अपना जल्दी से। चलो यहां तक हो गया। अभी हम लोगों ने दो टर्म सीखे हैं, पहली टर्म सीखी है सैम्पलिंग, दूसरी टर्म सीखी है सैम्पलिंग रेट, सही है। अब तीसरी टर्म सीखने जा रहे हैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। बस ये तीन टर्म्स जो हैं आप लोगों की जरूरी हैं, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। और एक हम लोगों ने दो और पहले सीखी थी, डिजिटल डाटा क्या होता है और एनालॉग डाटा क्या होता है। अब आखिरी टर्म है आपकी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है, द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर ईच सैम्पल, हर एक सैंपल को आप कितनी पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये सब आगे डिस्कस होगा, लेकिन अभी बेसिक्स अपनी इतनी क्लियर करो कि जो भी आप लोगों का एम्पलीट्यूड की वैल्यू, जो भी सैम्पल की एक वैल्यू आ रही है आपकी, उसके हम कितने पर्टिकुलर बिट्स एलोकेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा बिट्स एलोकेट करोगे, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ज़्यादा फाइल साइज होगा। तो हर चीज़ जो है ना वो लिंक होती है। तो हम पहले इसका जो रिलेशनशिप है ना वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपना बेसिक्स अपनी क्लियर करो कि हमने अभी तक जो तीन टर्म सीखी हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, जो टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ साउंड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, सैम्पलिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सैम्पल्स टेकिंग पर सेकेंड, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर ईच सैम्पल, आपका हर एक एक सैम्पल जो है उसका हम कितनी बिट्स एलोकेट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। जल्दी से लिखो अपने पास इसको। जल्दी 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 जल्दी। सही। अच्छा अभी एक सवाल करते हैं इसका जल्दी से, बट इसका एनालॉग, अच्छा एनालॉग और डिजिटल डाटा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा आप सुनो, एनालॉग डाटा क्या होता है जल्दी से देख लो उसको अपने पास, नोट डाउन कर लो। डिजिटल डाटा क्या है, जो कि बाइनरी वैल्यूज होती हैं 0 और 1, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। एनालॉग डाटा क्या होता है, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की मेजरमेंट, साउंड के एम्पलीट्यूड की मेजरमेंट्स, किसी भी लेंथ की मेजरमेंट, इन सब चीज़ों को हम लोग एनालॉग डाटा कहते हैं। एनालॉग डाटा जो है वो आप लोगों का कंप्यूटर इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हम लोग उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल डाटा क्या होता है, 0 और 1 की जो वैल्यूज होती हैं, बाइनरी वैल्यूज। क्लियर अब्दुल मुनम? सही है। अच्छा अब एक सवाल करते हैं, और वो सवाल है जल्दी से, आप लोगों को मैंने समझा दिया था लेकिन इसको मार्क्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो एक दफा। अच्छा ये सवाल आता है आप लोगों का, हाउ सैम्पलिंग इज यूज टू रिकॉर्ड द साउंड क्लिप। या तो ये क्वेश्चन होगा या तो होगा कि भाई हाउ साउंड इज रिकॉर्डेड डिजिटली, दोनों का सेम आंसर है। जल्दी से देखो इसको, हाउ सैम्पलिंग इज यूज टू रिकॉर्ड द साउंड क्लिप। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डिटरमाइंड, मतलब हम करते क्या हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव को मेजर करते हैं एट सेट टाइम इंटरवल टू गेट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द साउंड वेव। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि एक्यूरेसी, एक्यूरेट साउंड की हमेशा कभी भी आप लोग वो नहीं कर सकते रेप्लीकेट, लेकिन अप्रोक्सीमेशन की तरफ जरूर जा सकते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज मेजर्ड इज डिटरमाइंड, मतलब हर एक एक एट सेट टाइम इंटरवल हम लोग एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं, जिसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं, टू गेट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द साउंड वेव इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, उनके हम लोग बाइनरी वैल्यूज लिखते हैं, उनके जो सीक्वेंस होता है
उसी सीक्वेंस में आप लोग अपनी बाइनरी वैल्यूज लिखते हो। इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट विल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग। आप जैसे जैसे सैम्पलिंग रेट इंक्रीज करोगे वैसी वैसी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था इसको, सही है। जल्दी से इसको अपने पास लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके भाई, जो जिसका हो जाए मुझे बता देना। जो जो लिख ले वो चार्ट पे जवाब दे दे ताकि हम आगे बढ़े। सवाल क्लियर है वैसे सबको? ये हाउ सैम्पलिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द साउंड क्लिप। सर अगर कॉन्स्टेंटली मेजर होता सैंपल तो एक्यूरेट आते बेटा। अच्छा सबसे पहले अब्दुल मनो मुझे ये बताओ, तुम कॉन्स्टेंटली से कॉन्स्टेंटली मेजरमेंट से कहना क्या चाह रहे हो, इसको जरा एक्सप्लेन करो तुम। एक्यूरेट तो कभी भी नहीं होता, पहले मैं ये बता दूं तुम्हें। क्लोज टू एक्यूरेट हो सकता है, रेगुलर टाइम टेबल खत्म कर दो, देन व्हाट? तो मेजरमेंट कैसे करें, किस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद? कांस्टेंट मतलब, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। देखो उसमें भी मिली मिली सेकंड्स का फर्क आएगा, तुम जो कहना चाहो। समझ गया, मैं समझ गया। टाइम टेबल देने की जरूरत क्या तुम लोग? ठीक है मैं समझ गया। उसमें भी देखो अगर तुम इसका वो बताओ ना, अगर तुम इस पर फोकस करो कि ये 44,100 सैंपल्स का मतलब क्या है, ये मिली सेकेंड्स में बात हो रही है, तो इतना अभी तक आप लोग की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब कॉन्स्टेंटली जैसी डाटा आ रहा है फॉरन स्टोर हो रहा है, उसमें भी मिली सेकेंड्स का फर्क आ रहा है। कुछ भी हो जाए ये एक तरीके से हम लोगों के लिए नॉर्मली कॉन्स्टेंट ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। अगर तुम लोग इसको समझो ना, अगर तुम लोग इसको खुद रिकॉर्ड करो तो ये एक तरीके से कांस्टेंट रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना एक्यूरेट नहीं है। क्लोज टू एक्यूरेट जरूर है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, सही है। 44,100 सैंपल्स पर सेकंड की बात कर रहा हूँ भाई मैं। इसको थोड़ा गौर से सुनो और गौर से समझो इसका मतलब क्या होता है। अगर तुम इसकी इंटेंसिटी समझ जाओ फिर तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा खुद ही। तो 44,100 सैंपल्स 1 सेकंड के अंदर, अच्छा ये कितने नंबर्स का होगा? अच्छा ये क्वेश्चन कितने नंबर का? अराउंड 3 to 4 मार्क्स, लेकिन पॉइंट सारे लिखना। ठीक है अब क्लियर हुआ दुर्मनम? एक तरीके से कांस्टेंट ही रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन इससे ज्यादा और कांस्टेंट हो नहीं सकता। चलो द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डिटरमाइंड, एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल टू गेट एन अप्रोक्सीमेशन। अच्छा ये रेगुलर टाइम इंटरवल का ये मतलब नहीं है कि ये 5 5 सेकंड, 1 1 सेकंड, ये मिली सेकंड्स की बात हो रही है। तो जितना ज्यादा आप लोगों का होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्लोज टू एक्यूरेट होगा। टू गेट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द साउंड वेव कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स, उनको हम लोग बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट विल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग, सही है। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों का ऑल दो वो नहीं है कि अलग से सवाल नहीं आता इस पर्टिकुलर इस पे जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी टर्म आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए ताकि इसका हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, और वो वर्ड है आप लोगों का क्वांटाइजेशन एरर, सही है। अब ये क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, जो इसके जो सवाल आते हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोगों का जो सैम्पलिंग के बाद इनकोड करने के बाद डिजिटली एक्यूरेट डाटा नहीं होता है, सही है। अब आपके जो एनालॉग सिग्नल है, एक्यूरेट एनालॉग सिग्नल जो है आप लोगों का, उसमें और आप लोगों के जो रिकॉर्डेड डिजिटल सिग्नल है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
क्वांटाइजेशन यार, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इतनी चीज को समझो कि सपोज करो जैसे ये डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे, अगर मैं तुम लोगों को बना देता हूँ, एनालॉग और आप लोगों का दूसरा जो है वो है डिजिटल। दूसरा है आप लोगों का, अच्छा ये रेड वाला जो लाइन है वो डिजिटल डेटा है। सही। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एनालॉग माइनस डिजिटल, इसको हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। लेट्स डू ग्रीन। एनालॉग माइनस डिजिटल इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन एरर। सही है, अब क्लियर है ये, और इसको वर्डिंग में भी लिख लो। चलो जल्दी से लिखो। सही, जो पर बार और ग्राफ के दरमियान कॉन्वर्जेशन एरर था, बिल्कुल। ये जो मेजरमेंट्स है ना, ये वाली मेजरमेंट्स, ये मेजरमेंट्स, ये सब एरर है। जो इनका डिफरेंस होगा वो एरर है क्वांटाइजेशन। जल्दी से लिखो अपने पास। कौन सी डायग्राम अंदर बोला, ये वाली बात कर रहे हो? अच्छा इसकी बात कर रहे हो, बार ग्राफ और जो एक्चुअल के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल ये आपका क्वांटाइजेशन एरर है, ये सब क्वांटाइजेशन एरर है। देखो अब इसमें आपने जैसे ही सैम्पलिंग रेट इंक्रीज किया, एक और चीज इसमें और से देखो, अब आपने जैसे ही इस पर्टिकुलर एरिया को देखो तो आपका तकरीबन क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आपने सैम्पलिंग रेट इंक्रीज किया आप क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम हो गया। सही है, प्रेस द टेक्स्ट अबाउट द कंटेंट, यहाँ तक क्लियर है? कौन सी इसकी बात कर रहे हो आर्यन, इसकी बात कर रहे हो? ये तो वो है ना कि आपकी साउंड इनकोड कैसे होती है, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, एक दफा देख लो। हम साउंड के जो ग्राफ होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं उसका एट रेगुलर टाइम इंटरवल सर, एंड एक्यूरेसी के, बिल्कुल बिल्कुल इनएक्यूरेसी ही है जाहिर सी बात है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम है ना, तो उसके नाम से भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज आपको ऊपर डायग्राम से इजीली समझ आ रही है कि जैसे जैसे आप लोगों का सैम्पलिंग रेट इंक्रीज हुआ, आप लोगों ने क्या किया कि आपका क्वांटाइजेशन एरर कम हो गया। यहाँ पे देखो क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज्यादा था, जैसे ही हाई सैम्पलिंग रेट हुआ क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम हो गया, आपकी जो डाटा है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन एरर की बेसिक्स अगर आप लोगों को क्लियर है, तब हम लोग इसके जो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन से मतलब कि क्या क्या इफेक्ट होता है किस चीज से, वो सब हम लोगों ने समझना है। अब यहाँ पे लिखो इम्पैक्ट, हेडिंग दे दो जल्दी सब। इम्पैक्ट
ऑफ चेंजिंग सैम्पलिंग रेट एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। चलो अब अगर थोड़ा गौर से सोचो इसके बारे में, बस नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम लोगों के पास सैम्पलिंग रेट इंक्रीज करने से आपका डाटा एक्यूरेट हो जाता है और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा करने से आपका डाटा एक्यूरेट हो जाता है, तो हम लोग मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट मैक्सिमम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? सही, मतलब नॉर्मल सोचने वाली बात है, इसमें कोई वो नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है कि जब आपके पास आपको पता है ऑलरेडी कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कि जैसे हम लोग सैम्पलिंग रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो आप लोगों का जो डाटा है वो और ज़्यादा साउंड जो है आपकी वो और ज़्यादा एक्यूरेट रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो है अगर आप उसको इंक्रीज कर दो तो उससे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट होंगे ना इन दोनों के, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके स्टोरेज है, मतलब आप जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट इस्तेमाल करोगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज आपको स्टोर करनी पड़ेंगी, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बिट्स उतनी ज़्यादा मेमोरी आपको एक सैम्पल को देनी पड़ेगी। तो ये सारे जो हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। अब आपको चूज करना होता है जो सबसे सूटेबल आप लोगों के लिए सिनेरियो। अगर आप लोगों के लिए स्टोरेज मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करती है, और अगर आपको लार्ज फाइल से कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो, सैम्पलिंग रेट भी इंक्रीज करते हो, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन भी इंक्रीज करते हो जब आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे होते हो। जब आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग पे फोकस कर रहे होते हो, जो आपका कॉन्टेंट है आपको वो रिकॉर्ड होना जरूरी है, तो उसमें उस सिनेरियो में हम लोग सैम्पलिंग रेट कम कर देते हैं, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन कम कर देते हैं, ताकि आपका जो रिकॉर्डेड डाटा है वो फाइल उसकी छोटी बने और ज़्यादा डाटा आप लोगों का रिकॉर्ड हो सके। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को चेंज करने से होती हैं। अभी आप लोगों से वो सवाल करता है कि अगर मैं सैम्पलिंग रेट को 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 60 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को मैं 8 बिट्स पर सैम्पल करने के बजाय मैं इसको 16 बिट पर सैम्पल कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्यूरेसी पे और क्वांटाइजेशन एरर पे, ये सारी चीज़ें जो हैं फाइल साइज पे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बात करनी होती है। सही, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं हर एक एक चीज़। पहले बिल्कुल बेसिक्स बात कर लेते हैं, फिर इसकी मार्क्सिंग पर डिस्कस कर लेंगे। सही, अच्छा सैम्पलिंग रेट का ताल्लुक किस चीज़ से, सैम्पलिंग रेट से स्टार्ट कर रहे हैं। सैम्पलिंग रेट अगर हम इंक्रीज करेंगे, सैम्पलिंग रेट का ताल्लुक है एक्यूरेसी से, और फाइल साइज से, इन दो चीजों से हम लोगों को डिस्कस करना है। पहले से नोट्स बना लो बेसिक, फिर इसकी मार्क्सिंग देखेंगे। ओके, द ग्रेटर द सैम्पलिंग रेट ग्रेटर द एक्यूरेसी बट फाइल साइज इंक्रीजेस। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, बट फाइल साइज इंक्रीजेस। स्मॉलर गैप्स बिटवीन सैंपल्स सो लेसर क्वांटाइजेशन एरर। सो इस चीज को समझने के लिए हम लोगों ने क्वांटाइजेशन एरर को समझा पहले, क्वांटाइजेशन एरर। चलो यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद हम मार्क्सिंग देखते हैं।
यहाँ तक लिखो, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूँ। अच्छा, अब हम हर एक चीज़ को ना डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के पास में आ सकती है। सबसे पहली चीज़ है, हाँ, टेंशन नहीं, सब सब होगा भाई, टेंशन बिल्कुल, सब चीज़ें कंपाइल्ड है। पेपर वन के टॉपिक के पास पेपर्स भी कंपाइल है, वो सब आप लोग को मिल जाएंगे। बस ये आज की क्लास ले लो और कल की क्लास ले लो। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूंगा सारी चीज़ें। कल आप लोगों को टॉपिक के पास पेपर्स मिल जाएंगे इसके, और यूट्यूब पे जो है उसकी ड्राइव पे आप लोगों को नोट्स इसके मल्टीमीडिया के और डेटा रिप्रेजेंटेशन के। अच्छा, मैंने जो टॉपिक के पास पेपर्स कंपाइल किए हैं वो पूरे इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन के रादर देन डेटा रिप्रेजेंटेशन के, सही है? तो वो तीन चैप्टर्स के, तीन सब सेक्शंस के कंपाइल्ड है, मतलब चैप्टर वन कंप्लीट है उसमें। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप कंप्रेशन कल कर लो, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को सारे टॉपिक के पास पेपर, सारे नोट्स, सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। फिर आप लोगों को मुझे एक डेडलाइन के मुताबिक आपको टॉपिक के पास पेपर मुझे सबमिट करने होंगे, सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन, कोई मसला नहीं, व्हाट्सएप कर देना। चलो, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है? जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब हम लोगों ने इसको समझ लिया है, अब लिखना कैसे बस वो देखना है आपने। तो जल्दी जल्दी बस लिखते जाओ। इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेजोल्यूशन मीन्स मोर बिट्स पर सैंपल larger range of values, larger range of values means larger file size, larger file size, more accurate representation. More accurate representation of sound, reduces quantization error, greater range of values can be stored. Can be stored. यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, What are the benefits of using higher sampling resolution? Okay, जी. Allow for large dynamic range, अगर डायनेमिक रेंज क्या होती है अभी इसको डिस्कस करते हैं, अभी सब लिख रहे हो इसके पास। मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, What are the drawbacks of using higher sampling resolution?
पहले लिख लो सारी चीज़ें, फिर मैं इसको जो जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी वो मैं कर दूँगा। यहाँ से लिख रहा, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अरे तुम लोग बिना कसम से डायनेमिक दिमाग में डाल दिया। अब भी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाई सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अच्छा डायनेमिक रेंज क्या होती है, बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि लार्ज डायनेमिक रेंज, डायनेमिक रेंज होती है आप लोगों की सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड, इन दोनों के जो दरमियान की जो साउंड है इन सबको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेंज। जैसे जैसे क्लास होती रहती है मैं फॉरन अपलोड कर देता हूँ, कोशिश यही होती है लेकिन उसमें टाइम लग जाता है अपलोड करने में। सही है। हम लोग बात कर रहे थे डायनेमिक रेंज की। डायनेमिक रेंज क्या होती है, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड के दरमियान जितनी भी साउंड्स है ना, मतलब जितनी भी साउंड्स की वो आती हैं टाइप्स, वो सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेंज। तो जितनी ज़्यादा हाई सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेंज ऑफ साउंड होगी। सॉफ्ट साउंड मतलब आहिस्ता आवाज़ बेटा, क्या हो गया यार, सॉफ्ट टून होती है ना, सॉफ्ट टून बहुत आहिस्ता आवाज़, फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज, एक होती है बहुत ही कोई फटी हुई आवाज। सही है। तो जितना इसको हम लोग इस रेंज को डायनेमिक रेंज कहते हैं। सही है। जितनी ज्यादा हाई सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगी उतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं इस टून में से वैल्यू चूज करने के, इस रेंज में से वैल्यू चूज करने के, ताकि आपके जितना ज्यादा रेंज होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आपका डाटा जाएगा। सही है। अब हम बात करें ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। चलो जल्दी से लिख लो आसान कॉन्सेप्ट है। बिगर फाइल्स, जाहिर सी बात है आप और ज़्यादा बिट्स इस्तेमाल कर रहे हो पर सैम्पल, तो बिगर फाइल, बिगर इज माय गॉड, बिगर फाइल ऑक्यूपाइज मोर स्टोरेज, ऑक्यूपाइज मोर स्टोरेज। अब जो जो नुकसानात लार्ज फाइल के होते हैं वही सेम चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्गर टू ट्रांसमिट डाटा, लॉन्गर टू ट्रांसमिट डाटा, ट्रांसमिट करना या डाउनलोड करना, दोनों में आप लोगों को बहुत टाइम लगता है। ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर नीडेड है, ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर नीडेड। चलो लिखो यहाँ तक। यहाँ तक करो जल्दी। बस खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल करना है हम लोगों ने। सैम्पलिंग रेट का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना, जो भी इफेक्ट्स होते हैं सैम्पलिंग रेट के वो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, तो तुम लोग वहीं से भी कर सकते हो। सैम्पलिंग रेट से बेसिकली बस वही है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आप लोगों की फाइल साइज भी इंक्रीज हो जाती है। सैम्पलिंग रेट के मैं क्वेश्चन डाल दूंगा इसमें, तो वहां से पकड़ लूंगा। सही है। अब बस एक छोटा सा मुझे जो करवाना है तुम लोगों को वो है फीचर्स ऑफ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सैम्पलिंग इंक्रीज करने से सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, सैम्पलिंग रेट इंक्रीज करता है, सैम्पलिंग इंक्रीज करने से, सैम्पलिंग क्या मतलब सैम्पलिंग इंक्रीज करने से। देखो जो हम लोग रिलेशनशिप सीखना है ना वो सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन के रिलेशनशिप सीखना है, कि सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो आपके इफेक्ट जो है वो एक्यूरेसी और फाइल साइज के, वो सब चीज़ें डिस्कस करनी है। तो
सब एक सवाल लिखो, मैं इसी की नोट्स के अंदर तुम लोग के सैम्पलिंग रेट का भी डाल दूंगा। सैम्पलिंग रेट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो उसकी जो क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा यहीं पे नोट्स में, तो वहाँ से एक दफ़ा रीड कर लेना। बाकी एक सवाल और करवाना है मुझे तुम लोगों को, और वो है फीचर्स ऑफ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फीचर्स ऑफ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। चलो जल्दी जल्दी से लिख लो, बहुत आसान है, जिसने भी आज तक थोड़ा बहुत भी एडिटिंग की भी है उसका समझ आ जाएगा। एडिट स्टार्ट टाइम। स्टॉप टाइम। इसमें कोई ऐसा समझने की चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिलीट पार्ट ऑफ क्लिप। फ्रीक्वेंसी द साउंड कैन बी ऑल्टर्ड। फेड इन फेड आउट। ऑफ एक्सेप्ट। सही सैम्पलिंग रेट में इंक्रीज वाला गैप चल रहा समझ नहीं। चलो मैं बताता हूँ, सैम्पलिंग रेट में हमने डिस्कस नहीं किया था, मैं बताता हूँ। चलो बस एक मिनट दे दो, बस ये लिख लूँ फिर मैं समझा रहा हूँ। स्मॉलर गैप्स वाली बात। फेड इन फेड आउट ऑफ अ क्लिप। फेड इन फेड आउट ऑफ अ क्लिप का मतलब पता है सबको राइट? जब भी आप फेड इन मतलब आपकी मतलब आवाज़ हल्की है, फिर आप उसको इंक्रीज करते हो। फेड आउट मतलब आवाज़ ज़्यादा है, फिर आप उसको डिक्रीज करते हो किसी भी वीडियो को एंड करने के लिए। ज़्यादातर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी म्यूज़िक होता है वीडियोस वगैरह में यूट्यूब की, उसमें एंड के अंदर क्या होता है, आपका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है तो एकदम से वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता चला जाएगा और फिर आपकी वीडियो एंड होगी, तो उसको फेड आउट कहते हैं साउंड की। सही है। मिक्स। मल्टीपल साउंड ट्रैक्स। यूज ऑफ फिल्टर्स। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है कर लो कुछ जान लिया। कभी कभार होता है कि जो आपको बेसिक चीज याद होती है ना, वो दिमाग में नहीं आती, तो उसमें आप कोई और पॉइंट लिख सकते हो। तो कोशिश किया करो कि सारी चीजें ही याद कर लो। हाँ, फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होते हैं, मतलब आपकी साउंड इन्हेंस करने के लिए कुछ फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो प्रोफेशनल साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके अंदर। तो कुछ ऐसे फिल्टर जैसे पिक्चर खींचते फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही आप साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी। हाँ बिल्कुल कह लो, ऑटो ट्यून कह लो। बिल्कुल बिल्कुल। कन्वर्जन बिटवीन वॉइस चेंजर्स। हाँ कह लो, चलो वो भी कह सकते हो, वहां से समझ लेना। से कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट ऑडियो फाइल फॉर्मेट। सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की बात हो रही है ये रहे। इसकी बात कर रही हो। बस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो जल्दी से। वैसे मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ अभी फॉरन ही, तो उसको वहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा अब अगर देखो, वैसे तो सवाल आता नहीं है इसका, और आप लोग के सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है ये, कैलकुलेट फाइल्स है इसका। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, अब्दुल मनम आ सकता है।
बस कोशिश किया करो कि देखो फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश किया करो कि वो लिखो जो कि आप लोगों को जिसकी अश्योरिटी हो कि हाँ भाई ये हर सूरत में कुछ भी हो जाए मार्क्स में होगा होगा। फॉर एग्जांपल डिलीट पार्ट ऑफ क्लिप हो गया, फेड इन फेड आउट हो गया, और फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हो गया, डिलीट पार्ट ऑफ क्लिप, एडिट स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम, ऐसे फीचर्स याद कर लो जो कि आप लोगों के अश्योरिटी हो कि हाँ भाई ये आप लोगों के पासवर्ड की मार्क्स में होगा हर सूरत में कुछ भी हो। सही है, तो ये सारे आपको ऑल दो हैं सारे मार्क्सिंग के पॉइंट्स ही, लेकिन कभी कभार होता है वो कुछ डालता है कुछ मार्क्सिंग में, कहीं कुछ नहीं डालता, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्सिंग मिलती हैं। तो कोशिश वो करनी है कि जो चीज़ आप लोगों की ज़्यादातर रिपीट हो रही है वही इस्तेमाल करनी है, ताकि हम लोग का कोई टेंशन वाली बात ना हो कि भाई ये कंसिडर करेगा या नहीं कंसिडर करेगा। ऑल दो बात सही है, ऑफकोर्स आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि जो चीज़ मार्क्सिंग में वो लिखो। सही, रिस्क मत लेने का भाई। अच्छा अब एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं जल्दी से, ऑल दो आप लोग की ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, आप लोग के सिलेबस में मिलेगा नहीं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और वो है आप लोगों का फाइल साइज के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन इसका एक सवाल भी आया हुआ है पास पेपर पे, तो बस इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो अपने पास रखो, जो इसकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि अगर सवाल आ जाता है इसका तो आप लोगों को पता हो कि भाई हाँ कैसे करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का फाइल साइज कैलकुलेट करने का। हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम, आपको इसका ना एक एक सवाल मिलेगा, इससे ज्यादा आज तक नहीं आया, हाउ टू कैलकुलेट फाइल साइज, और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलो बस इसको देख लो एक दफा, अच्छा बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात करनी है भाई, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है, जल्दी जल्दी चैट पे जाओ, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर ईच सैम्पल, एक सैम्पल की कितनी आप मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हो। सही है, अब अगर आपके पास मैं बता दूं कि आपने कितने सैम्पल्स ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट है आपके पास, ठीक है 5 मिनट तक आपको एक साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो, और कम करते हैं 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड में आपको एक साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको उसकी क्या क्या चीज़ें पता है, आपको सैम्पलिंग रेजोल्यूशन पता है कि आपने एक सैम्पल के लिए इस्तेमाल किए 8 बिट्स, 8 बिट्स पर सैम्पल आप लोगों ने इस्तेमाल किए। सही है, और आपको ये भी पता है कि अगर मैं आपको सैम्पलिंग रेट बता दूं, भाई सैम्पलिंग रेट है आप लोगों का सपोज करो 60 हर्ट्स, 60 हर्ट्स का मतलब क्या होता है, 60 सैम्पल्स पर सेकेंड। तो अगर अब मैं टोटल की बात करूं तो 60 हर्ट्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेकेंड से, मतलब 10 सेकेंड्स में कितने सैम्पल्स हो गए, तो दैट्स अराउंड 600 सैम्पल्स, ऐसे ही है। और हमें पता है कि भाई 8 बिट्स है पर सैम्पल, तो मल्टीप्लाई बाय 8। सही है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फॉर्मूला वाली चीज़ नहीं है, बेसिक बिल्कुल, कि भाई आपको जब, हाँ सुनो 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 सुनो, अगर देखो उन्होंने आपको तीन चीज़ें बताई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, कि आपने एक साउंड रिकॉर्ड किया 10 सेकंड तक, आप लोगों के पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन है सैम्पलिंग, ऐसे रेजोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी फिलहाल समझाने के लिए, अगर आप लोगों के पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन दी हुई है उन्होंने कि 8 बिट्स पर सैम्पल, आपने 8 बिट इस्तेमाल किए एक सैम्पल को स्टोर करने के लिए, और उन्होंने यहाँ पे आपको सैम्पलिंग रेट भी बता दिया, मैं एस रेट लिख रहा हूँ, मतलब 60 सैम्पल्स 1 सेकेंड में ले रहा है, तो अगर कॉमन सेंस की बात करो, बेसिक मैथ्स की बात करो, तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने सैंपल्स ले रहा है वो 10 सेकंड के अंदर। तो जब 60 सेकंड्स में आप लोगों का 60 सैंपल्स ले रहा है 1 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितने सैंपल्स लेगा, एक्स, तो अराउंड 600 सैंपल्स बनते हैं 10 सेकंड के अंदर, और हमें ऑलरेडी पता है कि भाई एक सैंपल जो है वो अराउंड 8 बिट स्टोर कर रहा है, तो 600 सैंपल्स कितने बिट स्टोर करेगा, एक्स, तो आप लोग इजीली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, बेसिक मैथ्स है, समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, याद करने वाली चीज कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन बेसिक से अगर बात करो, क्योंकि तुमने टाइम दिया भाई कि कितने सेकंड्स तक तुम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हो साउंड, तुम लोगों को सैम्पलिंग रेजोल्यूशन दी हुई है, मतलब बिट्स बताई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, 600 मल्टीप्लाई बिट्स मल्टीप्लाई रेजोल्यूशन। अब देखो ये देखो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, बेसिक्स पे हम लोगों ने बात कर ली कि भाई
होता क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अब इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, फाइल साइज इन बिट्स, फिर बता रहा हूँ बिट्स में आंसर आएगा, फाइल साइज बिट्स में इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो। चलो तो ये तीन आप इसमें मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा फाइल साइज, लेकिन किस में आएगा, बिट्स में आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आई गेस आप लोग यहाँ तक तो हो गया, मुझे एक मिनट देना, मैं इसके तुम लोग को यहीं पे वो करवा दूँ, ओके अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। वेट अ मिनट प्लीज, यहाँ तक सब नोट डाउन करो इस फॉर्मूले को, मैं जब तक तुम लोगों को दो तीन चीज़ें और लिखवा दूँ इसके बारे में, सैम्पलिंग रेट के बारे में। यहाँ तक लिखो पहले, बस 5 मिनट और दे दो मुझे, फिर तो मैं जा सकता हूँ। क्वेश्चन देख लो सैम्पलिंग रेट के बारे में, दैट्स इट। चलो एक सवाल देखो, अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर ना मैं तुम लोगों को वो भी लिखवा दूंगा सैम्पलिंग रेट के बारे में जो चीजें थी। ये है सैम्पलिंग रेट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ही लिख लेना। सवाल पढ़ लो एक दफा, सब जल्दी से सवाल पढ़ो पहले सब। जल्दी जल्दी सवाल पढ़े सब और कोशिश करो उसका आंसर देने का, 2 मार्क का क्वेश्चन है बस। चलिए अब एक दफा एक काम करते हैं, इसका आंसर करने की कोशिश करो सब जल्दी से चैट पे, 2 मार्क के लिए क्या लिखोगे? ओके लार्जर फाइल साइज नीडेड इंक्रीज, बिल्कुल चलो सही है, थोड़ा बहुत बेहतर है। और कोई ट्राई करें, चलो अब अगर सवाल पे फोकस करो तो वो कह रहा है 2 चीजें आप लोगों से, 2 चीजें क्या कह रहा है कि आप लोगों का साउंड फाइल पे क्या फर्क पड़ेगा और रिकॉर्डिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। सही है, तो जो 2 मार्क्स है ना, पहले अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करो कि आप लोगों का जो ग्रेडिंग हुई भी होगी वो कैसे हुई भी होगी। सबसे पहली चीज ये सोचनी होती है, ये अंधाधुन आंसर नहीं देने आप लोगों ने,
ये भाई आप लोगों ने आंखें बंद की, सैम्पलिंग रेट के बस वो देखे क्या क्या इफेक्ट करते हैं, फ़ौरन लिख दिया। कोशिश करो कि सवाल को समझो और उसके बारे में सोचो कि भाई अगर ये 2 मार्क्स हैं तो ये 2 मार्क किस किस के हो सकते हैं। सही है, ये चीज़ कब आती है आप लोगों को, जब आप हर एक सवाल की और उसकी मार्क्स इनको दोनों को एक साथ पढ़ते हो, हर एक ही चीज़ समझते हो कि भाई इसकी जो ग्रेडिंग हुई होगी कैसे हुई होगी। अगर गौर से देखो तो उसमें दो चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, साउंड फाइल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो दोनों चीज़ें लिखनी है। पहले हम लोग लिख रहे हैं, अल्लाह भला करे, आंसर लिखो जल्दी से, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट ऑफ 44,100 हर्ट्ज टेक्स मोर सैम्पल पर सेकेंड, सो द फाइल साइज विल बी लार्जर। ये आप लोगों ने पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एट, अच्छा इसके अंदर दोनों कंपेयर करना कि 24 हर्ट्स में कम फाइल साइज होगा और अगर हम यहाँ पे ना एक और इसी कंटिन्यूशन होगी कि आप 21,000 हर्ट्स का भी लिखोगे। और दूसरा पॉइंट लिखो, एट सैम्पलिंग रेट ऑफ 21,000 हर्ट्स, 41,000 भी लिखो, फिर उस 44,100 हर्ट्स साउंड रिकॉर्डिंग इज मोर एक्यूरेट ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस करने हैं और फिर इसको कंपेयर करना है 21,000 हर्ट्स से। सही है, कोई मसला किसी को? कुछ 2-3 सवाल और हैं पास पेपर के, वो मैं इसी नोट्स में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जब उससे पढ़ोगे तो एक दफ़ा पढ़ना होगा, बस काफ़ी होगा उसके बाद। सही है, अगर स्पेस कम हो तो फिर आप अपना सैम्पलिंग रेट कम कर दो, ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन कम कर दो, बोथ वर्क्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यह हो गया आप लोगों का साउंड के चैप्टर। कुछ पास पेपर से क्वेश्चन और हैं जो मुझे ऐड करने, वो मैं इधर ही नोट्स में ऐड कर दूंगा, तो बस एक दफ़ा इनको रीड कर लेना। सही है, उसमें कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक सारी नॉलेज है। चलो जी, बेहतरीन हो गया, आप लोगों का साउंड हो गया, इमेजेस हो गया, मतलब मल्टीमीडिया का चैप्टर हो गया और आप लोगों का डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस कल इंशाल्लाह आप लोगों की लास्ट क्लास है इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन की, चैप्टर 1 की, जो कि है कंप्रेशन से रिलेटेड। कंप्रेशन की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन पास के क्वेश्चन ज़्यादा हैं सिनेरियो बेस्ड, तो हम लोगों ने वो करने हैं। बाकी इंशाल्लाह कल आप लोगों का ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ और आप लोगों का हार्डवेयर का चैप्टर रह जाएगा जो हमें इस महीने ख़त्म करना है। कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, नहीं हो पाया तो अच्छा खासा हम लोगों ने करना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक इंशाल्लाह हम लोग शुक्र है प्लान के मुताबिक ही चल रहे हैं।